यात्रा का लक्ष्य भारत को एक करने का था, जोड़ने का था। जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ हमने यात्रा की और ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। सच बताऊं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा प्यार भरा रिस्पॉन्स मिले। हिंदुस्तान की जनता का जो रेजिलियंस है, जो स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली दिखने को मिली। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हमने उठाए, और जो अलग अलग सेक्शंस पर दबाव पड़ रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, छोटे व्यापारी हो, उनकी आवाज हमें सुनने को मिली। मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, शायद मैं कह सकता हूँ मेरी जिंदगी का सबसे गहरा और सबसे सुंदर एक्सपीरियंस रहा है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, देश की जनता को, आपको, जो हमारे साथ चले, भारत यात्री, बाकी लोग, सीआरपीएफ के लोग, पुलिस के लोग जिन्होंने हमारी मदद की, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब आप सब, इस यात्रा ने एक अल्टरनेटिव विजन दिया है। बीजेपी आरएसएस ने एक विजन दिया है, नफरत भरा, अहंकार से भरा। हमारा विजन, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला, भाईचारे का विजन, एक दूसरे को इज्जत देने का विजन, गले लगने का विजन। तो क्लियरली अब हिंदुस्तान के सामने दो रास्ते हैं, और ये सिर्फ दो रास्ते नहीं हैं, ये जीने के तरीके हैं। एक दूसरे लोगों को दबाने का विजन है और दूसरा सबको जोड़ने का विजन है। तो राजनीति में इसका जबरदस्त असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। उसका एग्जैक्टली क्या इफेक्ट होगा मैं नहीं बता सकता हूं, मगर मैं आपको एक और बात बता सकता हूं कि ये जो हमने यात्रा की है, ये खत्म नहीं हुई है। ये आप गलत फहमी में मत रहिए, ये पहला कदम है, ये शुरुआत है। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और जो जिस अल्टरनेटिव विजन की मैंने बात की, जो लोग उसको मानते हैं, वो और यात्रा नहीं कह सकता हूं, मगर और एक्शन लेंगे। आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट आई सी इन जम्मू एंड कश्मीर। इनफैक्ट आई हैव sadness when I walk through Jammu and Kashmir. I have come here when I first entered Jammu, a strange idea came into my mind, which is that in some ways my family descended from Jammu and Kashmir and went to Allahabad. And in some strange way, I was making the reverse journey that my ancestors made. So, I felt in a way that I was going home, you know. And that was a very powerful feeling I had. I think I have affection towards the people of Jammu and Kashmir. And I come here with open heart,
and I come here with open arms to help in whatever way I can. And I was humbled by the reception that we got in Jammu, in Kashmir. I think love and affection, and this I've realized in my life, that love and affection and listening is a very, very powerful force. And I intend to do as much of that as I possibly can. I don't want to go into sort of commenting on the historical aspect of it. You know, I want to look forward, and I come here with an open mind, and I come here with affection. Mere mutabik, jo desh ki political class hai, aur usme main sabko jodta hu, usme Congress, BJP, sab partiyan, usme aur janta mein thodi duri paida ho gayi hai. पूरा का पूरा कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू होता है, इंटरव्यूज के थ्रू होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू होता है. मेरी थिंकिंग थी कि ये जो दूरी है इसे कम किया जाए. ये सिर्फ फिजिकल दूरी नहीं है. तो एक इस दूरी को कम करने का तरीका सड़क पे चलने का है, लोगों से मिलने का है, गले लगने का है. दूसरी दूरियां भी हैं. एक और बात आ गई है, जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, और मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बट ये फैक्ट है, जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, चाहे वो इंटरव्यूज हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, अब उसमें एक बायस सी आ गई है. तो जो फोकस मीडिया को ऑपोजिशन पे देना चाहिए वो देती नहीं है, और जो हम बोलते हैं उसको पिस्ट कर जाती है. तो मुझे लगा कि एक नए तरीके का पॉलिटिकल विजन की जरूरत है, और मेरे माइंड में ये पहला कदम है. और फ्रेंकली मैं बताऊं तो ये छोटा कदम है. मेरे माइंड में इससे ज्यादा गहरे कदम हैं जो जिनके बारे में मैं सोच रहा हूं. ईस्ट वेस्ट के बारे में दिखते हैं. आई थिंक इट इज व्हाट द आरएसएस एंड बीजेपी आर डूइंग अक्रॉस द कंट्री इज attacking the institutional framework of this country, whether it is parliament, whether it is assemblies, whether it is the judiciary, whether it is the media, all institutions are being attacked and captured by the BJP. What you are seeing in different parts of the country and in Jammu and Kashmir are a result of that assault on the institutional framework. Okay, the reason, one of the main reasons we have taken the Bharat Jodo Yatra is because when we talk in parliament, our mic is shut off. So frankly, being a member of Lok Sabha means nothing. I can sit there, I can raise my hand and say, I want to talk about Notbandi. You can't. I want to talk about GST. You can't. I want to talk about China. You can't. I want to talk about democracy in India. You can't. So this is not only going on in Jammu and Kashmir. It is happening in Jammu and Kashmir, but it's happening all across the country. And it's happening in different ways in different parts of the country. We've lost government after government after government after winning election. We won the election in Madhya Pradesh and our government disappeared. Right? So this is a way of operating that they have.